चलिए दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए जो कि आपने सुनी भी होगी। सीमा हैदर की स्टोरी, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पूरी कहानी क्या है, जासूसी एंगल आया सामने। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आया। सीमा को ATS ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में लिया है। सीमा के साथ ही उसके चार बच्चों और सचिन को भी ले गई है पुलिस। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से पूछताछ की जा रही है। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। इसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए UP ATS जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों वहाँ रखा गया है। बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा, लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ पीपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से चार बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की यह महिला और दिल्ली होते हुए महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए UP तक आ पहुँची। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले PUBG गेम पर। रघुपुरा कस्बे के मीरा ठकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गईं तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर PUBG गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। तीन बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वह 12 साल की ही थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल में उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में तीन बेटियां फरवा, फरिया और फराह पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेली रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद PUBG खेलना शुरू किया। PUBG ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई।
सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई, इससे वह इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाई कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। उसने सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाले लड़का पाकिस्तान में रहने रही लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने सार लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वह मुस्लिम महिला से
शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी कि अगले दिन रघुपुरा की अम्बेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों के साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। दो दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वह अपना पता न बदलें और देश न छोड़ें। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था। तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैतृक घर में आ गई। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज़्यादातर लोगों ने भी सराहना ही की है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उसके आधार कार्ड LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। इस मामले की जांच UPSTF समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। इधर सीमा के पद गुलाम हैदर, सीमा हैदर हस्बैंड ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसने कहना है दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और उसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वह वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा ही करेगी। वह भले ही यहाँ की जेल में रह लेगी लेकिन वहाँ वापस नहीं जाएगी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को